इस वीडियो में मैं इंटर्नशिप के बारे में आपको बताऊंगी कि आखिर ये इंटर्नशिप होता क्या है और इस इंटर्नशिप करने का बेनिफिट क्या क्या है और इंटर्नशिप कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर एक इंटर्नशिप इतना पॉपुलर क्यों हो गया है, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन ने इसे कंपलसरी कर दिया है। हर कोर्स के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करना कंपलसरी बना दिया गया है, इसीलिए इतना पॉपुलर हो गया है। लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है कि आखिर इंटर्नशिप में उनके करना क्या होता है। तो इंटर्नशिप करते समय आपको किसी कंपनी में जब आप इंटर्न करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। जो आप कॉलेज में थियोरेटिकल नॉलेज आपको मिला हुआ रहता है, जो आप किताबों में पढ़े रहते हैं, तो उसे प्रैक्टिकली कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसी का नॉलेज आपको इंटर्नशिप करते समय आपको मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा आपको। और जब किसी वर्क या जॉब के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो बिना वर्क एक्सपीरियंस के आप किसी भी कंपनी में आप जॉब नहीं कर सकते हैं, और आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं रहता है कि आखिर कंपनी में जॉब कैसे करना है। तो इंटर्नशिप आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है जॉब सीखने के लिए, और आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, और आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है कि एक्चुअली काम कैसे किया जाता है, और ये आपके रिज्यूम को भी अपडेट करता है। इंटर्नशिप 1 month, 3 month, 6 months या 12 months का भी होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। और ये इंटर्नशिप हाई स्कूल स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स या रिसर्च स्कॉलर्स इंटर्नशिप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर इंटर्नशिप कितने तरह के होते हैं, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप। सो सबसे पहला है, इट इज़ अ पार्ट टाइम इंटर्नशिप। जो पार्ट टाइम इंटर्नशिप, यहाँ पे आपको कुछ समय के लिए कंपनी में जाना है और आपको काम करना है। सेकंड है, इट इज़ फुल टाइम इंटर्नशिप। जैसे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं मॉर्निंग टिल देयर वर्क आवर इज़ ओवर, तो वो टाइम पे एम्प्लॉयज़ जितने घंटे काम करते हैं कंपनी में, आपको भी उतने घंटे वहाँ पे काम करना पड़ता है। थर्ड है, इट इज़ एन पेड इंटर्नशिप। पेड इंटर्नशिप यूजुअली बड़े कंपनीज़ में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेंगे। एंड नेक्स्ट फोर्थ वन इज़, इट इज़ अनपेड इंटर्नशिप। अनपेड इंटर्नशिप में आपको सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। ये यूजुअली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं, और यहाँ पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, ना कि कोई भी स्टाइफंड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, इट इज़ पार्शियल इंटर्नशिप। पार्शियल इंटर्नशिप एक स्टाइफंड दिया जाता है आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कर रहे हैं, तो आपको हर महीने कुछ अमाउंट आपको दिया जाएगा। अब एक कितना स्टाइफंड दिया जाएगा, ये डिपेंड होता है कंपनी के ऊपर। आप इंटर्नशिप करने से पहले पता कर सकते हैं कि कितना स्टाइफंड दिया जाता है। नेक्स्ट है समर इंटर्नशिप। समर इंटर्नशिप एक बहुत ही पॉपुलर इंटर्नशिप है, और ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए। यूजुअली सारे स्टूडेंट्स समर इंटर्नशिप करते हैं, क्योंकि एक कंपलसरी होता है हर यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस में। ये 8 months से 12 weeks तक होता है, और ये फुल टाइम भी होता है और पार्ट टाइम भी होता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव एजुकेशन। यहाँ पे आपको एक बेस्ट करियर स्किल्स मिलते हैं। यहाँ पे एक साल तक होता है, या एक साल से ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट है, इट इज़ वर्चुअल और इट इज़ डिसर्टेशन इंटर्नशिप, या इट इज़ एन वर्क इंटर्नशिप। तो यहाँ पे ए वर्क रिलेटेड जो रिसर्च होता है, कंपनी रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उस कंपनी के बारे में एक रिसर्च करते हैं कुछ महीनों के लिए। जितने महीने के लिए वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उतने महीने के लिए वो एक टॉपिक के ऊपर कंपनी के बारे में एक रिसर्च
रिसर्च करते हैं, उसका एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसे एक कंपनी को सबमिट करना पड़ता है. दैट इज़ कॉल्ड एज एन डिजर्टेशन वर्चुअल और एन वर्क इंटर्नशिप. और लास्ट में आता है इट इज़ एन ऑनलाइन चैट या इट इज़ अ वर्चुअल फ़ोन और इट इज़ एन ईमेल इंटर्नशिप. तो यहाँ पे एक रिमोट इंटर्नशिप होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने घर में बैठ के अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग में वो एक इंटर्नशिप कर सकते हैं. यहाँ पर स्टूडेंट्स कंपनी नहीं जाते हैं, अपने घर पे बैठे हुए ही वो इंटर्नशिप ख़त्म करते हैं. लेकिन यहाँ पे वो जो एक्सपीरियंस उन्हें मिलता है, जो एक्सपीरियंस वो गेन कर रहे हैं, वो डिपेंड होता है कि स्टूडेंट्स के कैपेबिलिटी के ऊपर. अगर स्टूडेंट बहुत कैपेबल है तो वो ईजिली हर चीज़ बहुत आसानी से ईजिली सीख सकते हैं. अभी अब बात करेंगे नेक्स्ट, इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्क. तो एक टाइम डिपेंड होता है कि कंपनी के ऊपर. आप ये जो इंटर्नशिप होता है, आप इंटर्नशिप के अप्लाई करने से पहले आपको पता चल जाता है, कंपनी आपसे क्लियरली बता देता है कि आपका टाइमिंग क्या है इंटर्नशिप करने का, कितने घंटे के लिए आपको करना है, हफ्ते में कितने दिन आपको करना पड़ता है. तो उसके जानकारी आपको इंटर्नशिप अप्लाई करने से पहले ही आपको मिल जाता है. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटर्नशिप का बेनिफिट्स क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हमें स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप क्यों करना पड़ता है? तो द फर्स्ट वन इज़ आपको प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि हर स्टूडेंट को सिर्फ थेरोटिकल नॉलेज रहता है और थेरोटिकल नॉलेज आप को कोई भी जॉब नहीं दिलाता है. क्योंकि हर कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो हर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है डू यू हैव एन वर्क एक्सपीरियंस. तो फ्रेशर से अच्छा है कि अगर आप इंटर्नशिप करते हैं, आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आपको हायर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. फिर आप एक जो आपके पास एक थेरोटिकल नॉलेज है, आपको एक चांस मिलता है कंपनी में इंटर्नशिप के दौरान आपके जो थेरोटिकल नॉलेज है उसे प्रैक्टिकली आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. आपको एक वर्क प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आपको बहुत सारे आप स्किल्स सीख सकते हैं, जैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे कंपनी में आप एक एक्सपर्ट्स के साथ काम करेंगे. जब आप एक्सपर्ट्स के साथ या सीनियर एम्प्लॉयज़, कंपनी के सीनियर एम्प्लॉयज़ के साथ आप काम करते हैं, तो आपको एक सीखने का चांस मिलता है. बहुत काम की बारीकियों के बारे में आपको पता चलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको सीखने को मिलता है कि किस के साथ आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, सीनियर एम्प्लॉयज़, जूनियर एम्प्लॉयज़ या हर किसी के साथ कैसे आपको बात करना है, हाउ यू हैव टू बिहेव इन अ कंपनी, आपको क्या एटीट्यूड कैरी करना है कंपनी में, और आपको एक टीम वर्क, हाउ यू हैव टू परफॉर्म इन अ टीम. तो टीम वर्क कैसे होता है वहाँ पे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको मिलता है वहाँ पे, और यू नो हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, सम ऑफ द सॉफ्टवेयर्स दैट इज़ यूज्ड इन द कंपनी. ये सारे स्किल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं. और आप एज ए इंटर्न आपको पता चलता है कि एक कंपनी में काम किस तरह से किया जाता है. इसके बाद में इसके अलावा आपको एक और बेनिफिट होता है, जैसे कि आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, क्योंकि आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ हु आर एट डिफरेंट लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जब आप उनके साथ वर्क करते हैं, आपको एक चांस मिलता है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें. आपके जो भी डाउट्स या क्लैरिफिकेशन जो क्लासरूम में है था, वो आप यहाँ पे प्रैक्टिकली आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं और उनसे नॉलेज गेन कर सकते हैं यहाँ पे, और आप काम की बारीकियों को यहाँ पे सीख सकते हैं. रेगुलरली जैसे आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं. और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको पता चल जाता है कि आपको कौन से एरिया में आपका इंटरेस्ट है और कौन से एरिया में आपको काम करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर है, तो मैकेनिकल में आपको बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपको एग्जैक्ट इंटरेस्ट कहाँ पर है और आपको करियर कहाँ पर किस एरिया में आपको बनाना है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, बहुत
सारे एरियाज होते हैं, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो आपको एक एग्जैक्ट क्लियर आइडिया मिल जाता है कि आपको एग्जैक्टली आपके करियर में, आपके फ्यूचर में आपको कहाँ पे पहुँचना है, आपको कौन से एरिया में आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एन इंटर्नशिप। तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिलता है यहाँ पे इंटर्नशिप करते वक्त। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। अभी आपको कुछ आइडिया मिल चुका होगा कि आपको ये इंटर्नशिप होता क्या है और इंटर्नशिप के दौरान आपको क्या करना पड़ता है। इन सिंपल, इंटर्नशिप के दौरान आपको एक काम करना पड़ता है कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तरह, और आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको यहाँ पे मिलता है, और क्योंकि आप एक एम्प्लॉय की तरह कंपनी में काम करते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं। तो ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे नए अपडेट्स रेगुलरली आपके लिए लेके आते हैं।